यासिर, क्या हुआ? 5 बज रहे। ये बात तू मुझे सुबह नहीं बता सकती थी। लेकिन 5 तो अभी बज रहे हैं, सुबह क्या बताऊंगी कि 5 बज रहे थे। निता, क्या 5 पहली बार बजे? यासिर, सहरी का वक्त हो गया है, उठो। पहले सहरी बनाओ फिर मुझे उठा लेना। मैं तुम्हें नहीं उठा सकती। क्यों? वजन देखा है अपना। अच्छा जल्दी से खुद भी उठाओ और दानिश को भी उठाओ। मैं भी दानिश को नहीं उठा सकता। क्यों? उसका वजन देखा है तुमने? मेरे लिए सहरी ज्यादा ना बनाना, रात का खाना अभी तक हजम ही नहीं हुआ है। इसका मतलब तुम पराठा नहीं खाओगे? नहीं, पराठा खाऊंगा लेकिन अंडे सिर्फ 3 खाऊंगा बस। नहीं तो बताया तो है कि रात का खाना अभी तक हजम नहीं हुआ है। ले, एक पराठा और। क्या कर रहे हो भाई? रोजे की तैयारी कर रहा हूँ पगले। तुम रोजे की तैयारी करो या हैजे की? इतना खा रहे हो, पराठे के साथ कुश्ती लड़ रहे हो क्या? बकवास बंद कर और जा जाके देख दरवाजे पे कौन है। तुम देखो। अबे यहां से कैसे नजर आएगा? जा जाके देख दरवाजे पे। जा रहा हूं। 3 दिन का रोजा इकट्ठे रख रहे हो क्या? इसके बाद में सिर्फ 1 पराठा और बनाऊंगी बस। थैंक यू निदा, थैंक यू वेरी मच। अपने लिए बनाऊंगी या सर। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चक्कर अखियों की डोर है। चाचा कमाल, आप हमें चैन से मरने भी नहीं देंगे। मुझे पता नहीं था बेटा कि तुम खुदकुशी कर रहे हो। मैं बाद में आता हूँ। क्या काम है? तुम लोग सही कर रहे हो? हाँ। मैं भी कर लूँ? हाँ कर लो। चाचा कमाल, अब क्या हुआ? तुमने दरवाजा बंद कर दिया था तो मैं अंदर कैसे आता? तो आपको अंदर क्यों आना है? सहरी करने बेटा। आप यहाँ सहरी करेंगे? तुमने तो कहा था हाँ कर लो। मैंने अपने घर सहरी करने को कहा था चाचा। ये तुम्हारे घर नहीं है क्या? मैंने कहा था कि आप अपने घर में जाके सहरी करें। लेकिन मेरे घर पर तो कोई भी नहीं है, सब रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए हैं। क्यों सहरी करने? कौन है दानिश? भाई चाचा कमाल है, कह रहे हैं कि हमारे घर सहरी करेंगे। खबरदार, जो इन्हें अंदर आने से किसी ने रोका। आइए सहरी कीजिए। चाचा कमाल हमारे साथ सहरी करेंगे? क्या है? कौन? कमाल। अरे आप है ना चाचा कमाल? कितनी मतलब तुम्हें कहा कि मेरा नाम बतूता है? बतूता? ओके भाभी, चाचा बतूता के लिए एक पराठा। मेरे लिए भी एक पराठा। ये आपके लिए तो मंगवाया है। मेरा नाम तो कमाल है। बे यार क्या कंफ्यूजन है। अच्छा एक काम करो, एक पराठा कमाल के लिए, अरे एक पराठा बतूता के लिए। अब तो खुश होना है। क्या? कभी चांद लेके उड़ जाए, रात छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया, तेरी आंख से मिला गरम पराठा। लो गरम पराठा। बता सिलसिला तेरे होंठ जो खिले, ठंडा पानी देना दिल खिला, दिल खिला। अबे दही है या दही? मेरे लिए कोकोनट जूस है। अभी सुना है दही खाने से प्यास नहीं लगती। तेरे होंठ जो खिले, दिल खिला। सहरी में सिर्फ 1 मिनट रह गया है। यासिर, क्या हुआ? मैं बगैर सहरी के रोजा रखूंगी क्या? देखो इसे कहते हैं जन्नती औरत। शाबाश निदा, मुझे तुम पे फखर है। शाबाश। यासिर, 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 यासिर। अफ्तारी का टाइम हो गया क्या? अभी 3 घंटे पहले तुमने इतनी सारी सहरी की, अफ्तारी का टाइम कैसे हो जाएगा? क्या? तो तुमने मुझे उठाया क्यों? मैं ऑफिस जा रही हूँ, दरवाजा लॉक करो। तो तुम ऑफिस कैसे जाओगी? गाड़ी से? नहीं नहीं, दरवाजा लॉक होगा तो ऑफिस कैसे जाओगी? गाड़ी की चाबी है मेरे पास। गाड़ी की चाबी से दरवाजा कैसे खोलोगी निदा? गाड़ी का दरवाजा गाड़ी की चाबी से ही खुलेगा ना। तुम मुझे गाड़ी का दरवाजा लॉक करने को कह रही हो? मैं तुम्हें घर का दरवाजा लॉक करने को कह रही हूँ। लेकिन तुम तो ऑफिस जा रही हो ना। मेरे जाने के बाद दरवाजा लॉक करने को कह रही हूँ यासिर। ओह तो ये कहो ना। एक
तो पहले मेरा बगैर सहरी का रोजा है, ऊपर से मेरा दिमाग खराब किए जा रहे हो। रोजा रख के तुमने कोई एहसान नहीं किया रजा। रोजे का असल मजा ही तब है कि आदमी रोजा भी रखे और रूटीन के काम भी करे। लेक्चर मत दो, खुद तो सारा दिन घर में पड़े हुए सोते रहते हो और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी करते हो। हाँ तो मैं अपना रूटीन क्यों चेंज करूं? हाँ टाइम पास कर रहा हूँ। आपके मुंह में क्या है? जुबान। झूठ मत बोले। झूठ नहीं बोल रहा है, मुंह में जबान है, ये देखो। आपको शर्म नहीं आती? आती है, तुम यकीन नहीं कर रही हो इसलिए दिखानी पड़ी। मैं आपकी जबान की नहीं सिगरेट की बात कर रही हूँ। वो मैंने कब दिखाई? मैं अंधी नहीं हूँ। मैं भी अंधा नहीं हूँ, ये नजर का चश्मा नहीं है। तो फिर किसका है? मेरा। आप रोजे में सिगरेट पी रहे हैं? तो क्या हुआ, सिगरेट पीने से रोजा टूट जाता है? अरे मेरे सिगरेट पीने से तुम्हारा रोजा क्यों टूट जाएगा? मेरा नहीं आपका। लेकिन मेरा तो रोजा नहीं है। क्या तो सुबह इतनी सहरी क्यों खाई थी आपने? भूख लग रही थी ना, बीवी बच्चे घर पर नहीं है। मैं 25 रोजों से सब फ्लैट में बारी बारी रोजा खोल रहा हूँ, एक बार तुम्हारा ही फ्लैट रह गया। जब इतना खाया ही था तो रोजा ही रख लेते। मुझे डॉक्टर ने रोजा रखने को मना किया। कौन से डॉक्टर ने? डॉक्टर विजय कुमार ने। क्या? मैं शुगर का मरीज हूँ, शुगर खाए बगैर रह नहीं सकता, लेकिन मैं एक न एक दिन रोजा जरूर रखूंगा। जहन्नुम में जाए आप, मैं जा रही हूँ। जब तुम जा रही हो तो मैं आके क्या करूंगा? ओह भाई, सहरी तो सारी निकल गई, अब तारक कब होगी भाई? अबे क्या बाथरूम में घड़ी लगी हुई है जो बार बार वहां जा रहा है? नहीं भाई, नल खुला हुआ है। तो बंद करा ना भाई, लूज मोशन हो गए हैं। नहीं तो भाई मुझे लूज मोशन हो गए भाई। तो मैं क्या करूं भाई, मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है। अब क्या आए ना तो तुम चले जाना भाई। सबर कर मेरे भाई, सबर कर, अभी रोजा खुलने में बहुत टाइम है। भाई रोजा भी हमारी किस्मत की तरह हो गया, खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। खुलेगी, हमारी किस्मत भी खुलेगी, कोई ना कोई किस्मत का फरिश्ता हमारे घर आने ही वाला होगा। सॉरी भाई, सॉरी, जानबूझ के नहीं किया, माफ करना। ये क्या हो रहा है? सैंडविच खा रहा हूँ। रमजान में सैंडविच? आप अंधे हैं क्या? नहीं सर। आपने ये चश्मा क्यों पहना? धूप से बचने के लिए। चोरी किया तो फिर बचने के लिए क्यों पहने? ना हिंजार, बदमाश, बदतमीज, घटिया, चीप, लोकल, शर्म आनी चाहिए तुमको। एक तो तुम रमजान में सैंडविचेस खा रहे हो, फिर गैर मर्दों से मुंह लड़ा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। है कौन आप? आप कौन है? मुझे सब पी के कहते हैं। सब आपको पी के क्या कहते हैं? क्यों जाया होना चाहते हो मेरे हाथ? ओ, और ये क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या किया? इधर तुम तो जेल चले जाओगे। क्यों क्यों? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कराची में रहने के लिए एक गज जगह नहीं है और तुम इतना बड़ा खाली प्लॉट लेके घूम रहे हो। मुंह बंद करके ऐसे खाओ, मुंह खुलना नहीं चाहिए। अगर मुंह खुला तो आज कोई वारदात हो जाएगी। मुंह नहीं खोलना, मुंह बंद, मुंह बंद। मुंह किसकी वारदात हो जाएगी? इसको कहते हैं तमीज से खाना और उधर मुंह करके खाना। एक्सीडेंट हो जाता बेटे, इतनी जोर से दरवाजा खोला। पहचाना? नहीं। अब पहचानो। दिखाइए। नहीं ये मेरा नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ बेटा। यासिर, यासिर नाम है मेरा। ओ हो यासिर, यासिर बचपन में देखा था बेटा तुम्हें। इतने बड़े हो गए हो तुम, मगर आपके बचपन में तो मैं अल्लाह मियाँ के पास था। हाँ अंकल, ये भाई का दूसरा जन्म है। अशुभ बातें मत करो अशोक, अशुभ बातें मत करो, ये अन्याय की बात की है।
घोर पाप है, घोर पाप। देखो जब निश्चित होती है इंसान की मनोकामनाएं, जब दिल से निकलती है तो एक अजीब यात्रा पे चली जाती है। दूसरा जन्म है, बहुत देखता है केवल। आपसे कम देखता हूँ। अच्छा, ये मेरा भाई है दानिश। छोटा वाला, छोटा वाला। ये काटता तो नहीं काटता। अच्छा, कितने बड़े हो गए हो तुम। अरे भाई क्या बताऊं तुम्हें, जब तुम छोटे से थे तो मेरे कपड़ों में तुम शू कर दिया करते थे। मैं बचपन में आपके कपड़े पहनता था क्या? हाँ, मुझे बचपन में आपके कपड़े आ जाते थे। मेरा ख्याल है बेटा तुम दोनों ने मुझे पहचाना नहीं। हाँ, हमें भी यही लगता है। मैं तुम्हारे अब्बा का दोस्त हूँ, कनाडा से आया हूँ पीके। आप कनाडा से आ रहे पीके? किसे रोका नहीं आपको? बेटे सब पी रहे थे, एवरीबॉडी वाज टुन। अच्छा, एक मिनट, फोन आया है। कैनेडियन चिप लगी है इसमें। अच्छा, ऑर्डिनरी चिप नहीं है। हेलो, हाँ, यू आर टॉकिंग टू हिम? अच्छा, हाँ, हाउ आर यू रहमान? रहमान, द फैक्ट्री विच वी आर टॉकिंग अबाउट, आई थिंक वील हैव टू सेल इट आउट। हाँ, उसको भेज देते हैं। नहीं, वो फैक्ट्री दूसरी वाली की तो बात ही मत करना। वो मेरा एक बहुत अजीज दोस्त है बचपन का, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जलील। मैं उसके बच्चों के नाम कर रहा हूँ। अंकल, अब्बू का नाम फरीद नवाज है। हाँ, जलील, जलील। फरीद नवाज का नाम। एक सेकंड होल्ड करना, इधर बोलो बेटा, ये कान ठीक है? अब्बू का नाम फरीद नवाज है। मुझे मालूम है बेटा, मुझे मालूम है। हेलो, देखो फरीद, नहीं मेरा मतलब है जलील के नाम कर देना। ठीक है, आई विल कॉल यू लेटर। ओके, क्या कह रहे थे बेटा? अब्बू का नाम फरीद नवाज है। बेवकूफ, तुम मुझे बता रहे हो कि मेरे दोस्त का नाम फरीद नवाज है? मेरे बचपन का यार, बुलाओ उस कांकड़ी को, किधर है? उसको बोलो लल्लू आया है, लल्लू। कांकड़ी? लेकिन भाई, अब्बू तो तुमसे भी ज्यादा मोटे थे। हाँ, अब्बू तो, मगर मैं उसे कांकड़ी कहता था और वो मुझे लल्लू कहता था। इतना सही कहते थे। बुलाओ ना भाई, मैं तड़प रहा हूँ उससे मिलने के लिए, सालों हो गए। कांकड़ी, अबे कांकड़ी, देखता नहीं है, लल्लू आया है, लल्लू। ओ अंकल, अब्बू का तो इंतकाल हो गया है। अबे देख क्या रहा है, चुप करा ना। अच्छा, चुप, चुप हो जाओ, चुप। अबे आंसू साफ कर। आंसू? भाई एक मिनट, आया। कहाँ है? कौन आया? आया आया नहीं, मैं आया बाथरूम से, दो मिनट आया। अंकल पीके, आप अब्बू से आखिरी बार कब मिले थे? मुझसे कसम खिलवा लो बेटा, मैं कभी उनसे पी के नहीं मिला। हाँ, मिलने के बाद जरूर पीते थे। नहीं नहीं, आखिरी बार आपके अब्बू से कब मुलाकात हुई थी? कब इंतकाल हुआ उनका? कोई 7 साल पहले। बस यूं समझो कि 8 साल पहले अचानक उनका कनाडा में एक दफा फोन आया और टेलीफोन पे मेरी आवाज सुनते ही कहने लगे, लल्लू। मैं कांकड़ी बोल रहा हूँ। देखो हमारे घर कौन आया? ये आया है? नहीं नहीं, ये आई है, मेरी बीवी। अच्छा, इसका नाम आई है? नहीं, निदा नाम है इसका। अच्छा, इसका नाम निदा है। ये कौन है यासर? निदा, ये देखो अंकल पीके आए। ये पीके हमारे घर क्यों आए? अरे अब्बू के बचपन के दोस्त हैं पीके, कनाडा से आए। हाँ हाँ बेटा, कनाडा से आया हूँ, एक मिनट। हाँ, ये लो बेटा। ये तिजोरी की चाबी है? नहीं बेटा, वो बहुत बड़ी होती है, उसमें बड़ा माल आता है। ये गाड़ी की चाबी है, ये तुम्हारे लिए गाड़ी मैंने खरीदी है। गाड़ी का है? बेटा इतनी जल्दी नहीं, इम्पोर्टेड है, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी, ईद के बाद डिलीवरी हो जाएगी। गाड़ी की चाबी मिली मिल दानिश? हाँ बेटे, आओ आओ, तुम कम ना करो, तुम भी आओ। ये लो, ये रही चाबी, बाथरूम की चाबी। उसूलन तुम्हें वहीं की देनी चाहिए, लेकिन बेटा मैं ये कार की चाबी लाया। सच्ची मुच्ची वाली कार, बड़ी वाली? बिल्कुल, यस। चार पहियों वाली? यस। एसी भी है? हाँ एसी। तुम भी ले लो। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी जो बहू है, मतलब मेरी बहू और तुम्हारी जो बीवी है, ये कुछ नकचड़ी सी है। अरे बहुत दिनों से खुराक नहीं मिली ना इसे। क्या मतलब? अरे अंकल पीके, बेल्टों से मारता हूँ मैं इसे।
भाई तुम भी पीते हो क्या? चुप कर, शट अप। बड़ा रोब है मेरा निदा पर, मेरे सामने चूं तक नहीं करती है। यासिर आया बेगम। इतना रोब है दानिश, हमारी तो किस्मत खुल गई। हाँ भाई, हो सकता है अंकल पी के एक दो फैक्ट्री हमारे नाम पे भी कर दे। फिर उन्हें पिलाने का बंदोबस्त करते हैं दानिश। हाँ। चुप करके सहरी करो तुम लोग। निदा आज जरा सहरी ज्यादा बनाना। क्यों, आज भी कल रात का खाना हजम नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं निदा, आज अंकल पी के सहरी करेंगे ना। ये क्या बात हुई भाई, अंकल पियेंगे भी और सहरी भी करेंगे, ये क्या कॉम्बिनेशन है? लगता तुझे फैक्ट्रियां नहीं चाहिए। चाहिए भाई चाहिए। भाभी आज सहरी ज्यादा बनाइएगा, और ज्यादा बनाइएगा, बल्कि बहुत ज्यादा बनाइएगा। आ गया चचा कमाल, शहरी में आते ही हमें तंग करते हैं आप। अरे भाभी आज तो चचा कमाल घर से शहरी लेकर आए हैं, ये देखें। क्या, आइए बैठिए ना। मैं शहरी लेकर नहीं आया, शहरी लेकर जाऊंगा। सुन लिया? हाँ निदा, चचा कमाल शहरी लेकर जाएंगे। आइए। भाभी मेरा पराठा खत्म हो गया। ये बताओ ये बिल्डिंग का चौकीदार या क्या कर रहा है? नहीं नहीं अंकल, आप गलतफहमी हुई, ये तो मेरा भाई है यासिर। इसकी बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं, इस आदमी की बात कर रहा हूँ। कौन हो भाई तुम? तुम कौन हो बताओ? मैं कौन हूँ? ये अंकल पी के कनाडा से आए। शक्ल से ही तुम लगते हो। कैसा बदतमीज आदमी है, बात करने की तमीज नहीं है। अरे नहीं नहीं अंकल, इनका नाम है पी के। किसने रखा? मेरे बाप ने मेरा नाम रखा था पी के। आपके अब्बा भी पी देते? यार ये टू मच हो गया, मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। तमीज सीखो, शर्म नहीं आती, बात करने की तमीज नहीं है। अपनी उम्र देखो, अपना चेहरा देखो और अपने करतूत देखो, शर्म आनी चाहिए तुमको। अंकल कंट्रोल कंट्रोल, बात करने की तमीज नहीं है। तमीज नहीं है? तमीज नहीं आपको? कंट्रोल अंकल कंट्रोल। रोजा रखते नहीं है, सहरी करने के लिए चले आते हैं। मैं रोजा नहीं रख सकता, मेरी मजबूरी है। क्यों नहीं रख सकते? मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें भूख बर्दाश्त नहीं है और रोजदारों का हक मारते हो, यहाँ बैठ के सहरी कर रहे हो, जब देखो तुमको खाता हुआ मिलते हो तुम, मुझे शर्म आनी चाहिए। इस उम्र में रोजा नहीं रखोगे तो क्या पैदा होने के बाद रखोगे? रोजा रखो मेरे भाई, रोजा रखने से चेहरे पे नूर आता है, शक्ल में तनाव आता है, एक चेहरे पे ईमान की ताजगी आती है। रोजा इंसान की जिंदगी तब्दील कर देता है, मगर एक तुम हो कि अपनी जिंदगी के पीछे पड़े और रोजा रखो। रोजा बस बहुत हो गया, अब मैं रोजा रख के दिखाऊंगा। अबे तो सहरी तो कर लो। अरे बगैर सहरी के रखूंगा। ये लो। ये क्या है? इनविटेशन है। आप शादी कर रहे हैं? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ये है क्या चाचा? रोजा कुशाई है आपके पोते की? उसकी जो 2 साल पहले हो गई थी। ये मेरी रोजा कुशाई का इन्विटेशन है। क्या? हाँ, गिफ्ट लाना मत भूलना जी, और खाना भी मेरी तरफ है। आप खाना भी खिला रहे हैं? खाना मेरी तरफ है, मेरी तरफ से नहीं। आप अपने घर से लेकर आइएगा, मैं इंतजार करूंगा। अच्छा हा? अच्छा टाटा बाय बाय। भाई वैसे एक बात है, अंकल पीके कभी कभी बड़ा गुस्सा करता है। पीके अक्सर ऐसे ही हो जाता है। भाई किस तरह की बातें कर रहे हो तुम, कुछ तो ख्याल करो उनकी उम्र का, अदब से बात करो। आखिर वो हमारे अब्बा के दोस्त हैं भाई, करोड़पति आदमी हैं। और इत्तेफाक ऐसा है कि भाई इस वक्त वो बिल्कुल तुम्हारे पीछे खड़े हैं। अरे अंकल आप, दादिया तुमने एक झापड़ लगाता अगर तुम मेरे दोस्त के बेटे ना होते। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, फाका कर रहे हो तुम लोग। सुबह सहरी की तो है हमने। सहरी कर ली तो तुम ये समझते हो कि रोजा कंप्लीट हो गया? भाई रोजा याद रखो, बगैर नमाज के मुकम्मल नहीं होता। सही बात। तुम दोनों को चाहिए कि तुम लोग जाके नमाज पढ़ो, बहुत बुरी बात है, जाओ नमाज पढ़ो। चलो। मैं तो उसे कब से कह रहा था कि नमाज पढ़, लेकिन ये टीवी देख रहा था। चले अंकल चले। चलो 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 चले चले चलो। किधर चले? नमाज पढ़। हाँ चल रहा हूँ चल रहा हूँ, एक मिनट। हाँ चलो मैं अभी आता हूँ, एक जरूरी डॉक्यूमेंट साइन करके अभी पहुंचता हूं। चलो चलो चलो। टोपी गायब है मेरी? टोपी तो मुझे लगता है अंकल ने हम दोनों को पहना दिया। हां जा रहे हैं, जाओ गो। कभी चांद लेके उड़ जाए रात, छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, मेरे होंठ जो खिले दिल खिला दिल खिला। ये क्या हो रहा है?
ये है जियो।